Good evening. Welcome to a special edition of Reality Check, because we've had a lot of headlines since yesterday around the bank recapitalization. And that, of course, is one important step that the government has announced to really kickstart the economy. But many would argue that the other aspect of what was announced yesterday may be perhaps equally, if not more significant, which is Bharatmala, a massive, massive road building campaign. In fact, Nitin Gadkari earlier in the day described it as the largest infrastructure program that the country has ever done. And who better to discuss it and to see whether it is absolutely all new, as a lot of it is, some people are saying a lot of it are old projects that are rolling out. How exactly will it be done? Where will the money come from? Who better to ask than the man himself, Nitin Gadkari, who's got more portfolios now, sir. If I give all my portfolios, it will take a lot of time. So, you know, roads, water, transports, all of them are with you. But I'm going to first start off by asking you about Bharatmala, and it's great for you to join us. And I'll also keep trying to tell you and show you some graphics about what exactly it entails. This Bharatmala ka jo plan hai, aapne kaha ki ye, this is the single biggest infrastructure program in the history of India. Ye kaafi bada aapne statement diya hai. Aap iske bare mein agar kahenge ki ye kaise ho rahe, kyunki bahut si sadakein to pehle se hain, ab ye upgrade ho rahi hain ki nayi sadakein ban rahi hain ki kya ho raha hai, us par abhi bhi confusion chal raha hai. Dekhiye, pehli jo Atal Bihari Vajpayee ji ke shuruaat mein jo national highway ka kaam shuru hua, usme kuch national highway vishesh roop se desh ko jodne wale do aur beech mein ek aisa wo chatushkoniya golden गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बन गया था। अब उसके बाद में उसमें कुछ काम अधूरा हुआ है पुरानी योजना में, वो भी हमने इसमें लिया है. और उसके बाद में हमने अध्ययन किया पिछले 8 महीने में, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ने ट्रैफिक स्टडी किया और उसमें जो हाईटेक टेक्नोलॉजी है, उससे सैटेलाइट हो, GPS सभी सिस्टम का ये करके ट्रैफिक डेंसिटी क्या है वो देखा. उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कौन से रोड डेवलप करना है, टूरिज्म के लिए कौन से रोड डेवलप करना है, बॉर्डर रोड पर हमारी क्या क्या अड़चन है उसके लिए कौन से रोड डेवलप करना है, ट्राइबल सेक्टर में कौन से रोड डेवलप करना है, टूरिज्म के सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए क्या करना है. ऐसे साथ साथ हमने 300 डिस्ट्रिक्ट को 4 लेन से जोड़ा है. अब सागरमाला से हम 250 डिस्ट्रिक्ट एडिशनल 4 लेन से जोड़ रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट की कनेक्टिविटी है. तो ये सब का अध्ययन करके देश के ट्रैफिक डेंसिटी का विचार करते हुए हमने एक साइंटिफिक प्रपोजल तैयार किया और उसका नाम भारतमाला है. और ये प्रोजेक्ट जो है, इसमें टोटल हम 35 से 36 हज़ार किलोमीटर के रोड बनाएंगे और इसकी कॉस्ट करीब 7.5 से 8 लाख करोड़ जाएगी सारे फेजेस में. हाँ, नहीं नहीं सर, पहली बात, ये पूरे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी हमने 25,000 किलोमीटर के DPR तैयार कर लिए हैं, लगभग हमारे हाथ में है, और 9,000 करोड़ के DPR प्रोसेस में है. और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मैं आपको 35,500 से 36,000 किलोमीटर का दे रहा हूँ, 2018 दिसंबर के पहले ये पूरे 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट हम शुरू करेंगे. अब प्रोजेक्ट शुरू करेंगे. अब एक हमने काफ़ी कोशिश करी आज सुबह से बैठ के, हम लोग स्टडी कर रहे थे कि ये किस किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं. तो एक हमारे रिपोर्टर अनितम ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार करी जो हम देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक आप हमें समझ आया है, यहाँ इसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की सड़कें हैं, कोस्टल रोड्स हैं, सिटीज प्रपोज फॉर रिंग रोड्स हैं, बॉर्डर रोड्स हैं, पोर्ट कनेक्टिविटी है, चोक पॉइंट्स पे इंटरवेंशन की बात है, इंटर कॉरिडोर और फीडर रोड्स हैं, और फिर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है. ये सब अलग अलग किस्म की. जैसे आप उदाहरण के लिए मानिए कि बेंगलोर इतना कंजेक्शन है, इतना प्रॉब्लम है. अब बेंगलोर का रिंग रोड, अब ऐसे 22 बड़े शहरों के रिंग रोड इसमें है. हाँ, फिर बाईपास कुछ है, फिर पोर्ट है, पोर्ट में अभी बिजनेस बढ़ रहा है. पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए कुछ रोड 20,000 करोड़ के रोड हम बना रहे हैं. फिर ये अलग अलग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के रोड है वो बना रहे हैं, टूरिज्म उसमें आता है. ऐसे अलग अलग टाइप करके हमने उसको इकट्ठा करके प्रायोरिटी बनाकर ये कार्यक्रम घोषित किया है. So let me just go across to Intham, who's been sitting and trying to work on putting this together and trying to help us all understand what exactly is it that Bharatmala is about, and then we can perhaps ask the minister some of the questions related to it. Intham, over to you. Under Bharatmala Phase 1, 34,800 kilometers of roads will be built. Of this, 24,800 kilometers will be new roads, 10,000 kilometers will be those road projects which are under the National Highway Development Project. Now, of 34,800 kilometers, 800 kilometers will have
two greenfield expressways, one the Mumbai-Vadodara expressway, and the other one will be the Delhi-Katra expressway. Now, for the Mumbai-Vadodara expressway, the government is in advanced stages of inviting bids for 124-kilometer stretch of this expressway. The total stretch of this expressway is 424 kilometers. Now, the other aspects of Bharatmala Phase 1 includes 44 economic corridors stretching over 9,000 kilometers across the country. These corridors are expected to boost industrial economic activities. This is not all. The Bharatmala Phase 1 also has 7 coastal road projects, 58 port connectivity projects, and a host of other ring roads, bypasses, interconnectivity routes, border roads projects also included there, and most importantly, international road projects also will come up under phase 1 of Bharatmala. All of these to be completed by March 2022 at an estimated cost of 5.35 lakh crore rupees. Right. So, ये जो अलग अलग सड़कें हैं, अब एक ये सवाल भी उठता है जो फर्स्ट फेज में आपने बात करी, आप कह रहे थे 2018। इसमें और एक अच्छी बात बताऊं जो भूल गया मैं आपको बताने के लिए, 22 ऐसे कनेक्टिव पॉइंट हैं जो भारत भूटान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार और ये पांचों देशों के साथ हम लोग वो करीब उसके ऊपर 24,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। और ये जो पॉइंट्स है इससे ट्रेड और बिजनेस दोनों देशों में बढ़ेगा भारतमाला में, और इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार से नेपाल के साथ कनेक्टिविटी आएगी, और नॉर्थ ईस्ट जो हमारा बैकवर्ड एरिया है उससे म्यांमार तक, उसके बाद नेपाल तक और बाकी भी भूटान तक और बांग्लादेश तक अपने हमारी आएगी। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये क्या सारी नई सड़कें तो है नहीं, ये पुरानी सड़कें हैं जिनपे जहां भी चोक पॉइंट है उन्हीं को ठीक कर रहे हैं कि आप नई सड़कें, क्योंकि इनमें नए एक्सप्रेस वे सिर्फ दो हैं जहां तक हम देखो। पहली बात तो ऐसी है कि ये सड़कें बनाते समय हमने ये सोचा है कि हमें आगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की नई सड़कें कौन सी लेनी है, तो वो पूरे इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो पुराने हैं, पर आप उसमें हमने एक निर्णय किया है जो हमारा बड़ा निर्णय है, दो निर्णय आप लीजिए। पहला निर्णय ये किया कि 10,000 PCOs का ट्रैफिक जहाँ होगा वहाँ हम लोग 4-lane road बनाएंगे, 20,000 PCOs का ट्रैफिक हुआ वहाँ हम 6 lane बनाएंगे, और उससे भी 30,000-40,000 रुपये 8 lane बनाएंगे। इसके साथ साथ हमने ये तय किया है तो जहां पतली सड़क है अगर जरूरत पड़ेगी उसको वाइड ना करें। और एक बताता हूं आपका दूसरा जवाब, हमारे देश में टोटल 52 लाख किलोमीटर की रोड लेंथ है, उसमें से 2% केवल नेशनल हाईवे 96,000 किलोमीटर जब मैंने मंत्री पद की शपथ ली, अब हम इसको हम लोग 2 लाख किलोमीटर तक लेके जा रहे हैं। अब क्या होगा कि देश के 2% रोड पर 40% देश का ट्रैफिक था, अब इसके बाद देश का 80% ट्रैफिक हमारे 4% रोड पर आएगा। और इसमें एक और एक इंपॉर्टेंट बात है, हर बार देश में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख लोगों की मौत होती है, आप तो इसके लिए रोड सेफ्टी के लिए बहुत सजगता से अच्छा काम करते हैं। ये बढ़ने के कारण ये जैसे रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाना, इससे ज़्यादा भी मैं चाहता हूँ कि ये जब प्रोजेक्ट पूरा होगा तो देश में कम से कम 50% लोगों की जान बचाने में हम सफल होंगे, और रोड बनाने से भी ज़्यादा हमारी प्रायोरिटी इसके लिए ज़्यादा है। गडकरी जी, तो आपका ये जो स्कीम है वो तो हम लोग समझ गए हैं, पर लोगों का ये भी सवाल जरूर होगा कि इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। कल बैंक कैपिटलाइजेशन की बात हुई, हम ठीक है आप बॉन्ड्स कर रहे हैं 2 लाख करोड़ वहाँ हो गए, इसमें जो पैसे खर्च होंगे इसके लिए पैसा सब कहाँ से आएगा? हाँ, यही बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि मैं जब करोड़ों लोग समझ रहे हैं कि जो टैक्स है वही बढ़ता जाएगा। नहीं नहीं, मैं आपको बता दूं कैसे होगा। पहली बात तो इसमें 1-1.25 लाख करोड़ हमको बजट से मिलेंगे, हमको CRF का पैसा मिलता है, इसके साथ साथ बजट का कुछ पैसा मिलेगा। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम अभी 6,000 करोड़ के प्रोजेक्ट TOT में दे रहे हैं, हमारे पास इससे हमको 6,000 करोड़ मिलेंगे, पहला ट्रायल है। अब ऐसे प्रोजेक्ट हमारे पास तैयार है उसकी कीमत 1.25 लाख करोड़ है जो हमको मिल सकती है, जो हमको पैसा लगाएंगे। तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग 70,000 करोड़ के हमारे पास बॉन्ड्स रेस करने का अधिकार है, उसमें से हमने केवल 11-12 हज़ार करोड़ खड़े किए हैं, तो हम लोग 60,000 करोड़ वो खड़े कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि हम लोग जो बॉन्ड्स कभी ना कभी तो लौटाने पड़ेंगे वो जो सर पैसा मैं आपको बताता हूँ, हमारा NHI AAA रेटिंग है
और मैं आपको बता दूं, मेरी एक एक बात आप नोट कर लेना, मैं जो बोलूंगा वो 100% बात होगी। इस देश में पैसे की कमी नहीं है। अभी मैं कोचिन शिपयार्ड मेरे डिपार्टमेंट में बॉन्ड्स के लिए गया था, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में, 10 बजे घंटी बजाई, 10:30 बजे मुझे 76 times ओवर सब्सक्राइब हुआ इशू। 1650 करोड़ रुपए चाहिए थे, मुझे 1,26,000 करोड़ मिले। अब मैं सोचता हूँ कि भाई हम क्यों बड़े बड़े इन्वेस्टर के पीछे लगे। कोई पत्रकार रिटायर्ड हुआ है, शिक्षक रिटायर्ड हुआ है, कोई छोटा सरकारी कर्मचारी हुआ है, चिटफंड में पैसे डालते हैं। मैं अब NHAI में हम अथॉरिटी है, हमको इस प्रकार के हम लोग रजिस्टर नहीं कर सकते। आपके टैक्स फ्री बॉन्ड्स काफी चलते थे जब आपके, अब हम ऐसे बॉन्ड्स ला रहे हैं कि मैं गारंटी दूंगा कि बैंक इंटरेस्ट से 1.5% ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा और 15 साल के लिए, 10 साल के लिए आपके पैसे डिपॉजिट करूंगा और ये सब रिटायर्ड लोगों को सुरक्षित रूप से पैसा मिलेगा। क्योंकि जो लोग डर रहे हैं कि वैसे भी राहुल गांधी जी गब्बर सिंह टैक्स की बात कर रहे हैं तो कहीं मगैम्बो टैक्स तो नहीं आ रहा है इस सब के लिए? नहीं, कहीं नहीं आएगा सर। देखिए आपको बताता हूँ, इफ यू वॉन्ट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। और जैसे मतलब मुंबई पुणे में रोड बनाने के पहले, एक्सप्रेस वे बनने के पहले 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे के अंदर आते हैं। तो 7 घंटे का पेट्रोल डीजल कम लगता है, फ्यूल बचता है, एक्सीडेंट सुरक्षा भी बढ़ती है क्योंकि रोड आती है, टाइम भी बचता है। अब मुझे बताइए कि जब आपका फ्यूल बच रहा है, टाइम बच रहा है, तो उसके बदले में आपने टोल दिया, उसी पैसे में वो निकल जाता है। एक एक जो चीज़ ये भी होती है कि जो ग्रोथ की इतनी चर्चा चल रही है कि ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन, तो ये तो सिंपल केन्जियन इकोनॉमिक्स है कि अगर आप सड़कें बनाएंगे या यू नो बैंक रिकैपिटलाइजेशन करेंगे, खर्चा अगर होगा तो उससे जॉब्स भी बनेंगे, इकोनॉमी में भी सुधार आएगा। क्या ये भी एक मकसद है कि इसे इकोनॉमी में फिर से जो ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है वो इकोनॉमी एक बार फिर से पिकअप करेगी? देखिए पहली बात तो ऐसी है कि जब मैं मंत्री बना तो रोड और शिपिंग दोनों मिनिस्ट्री को लेकर, तब मेरे पास रिवर कनेक्टिविटी और सिंचाई और ये फ्लड और ये बाकी गंगा वगैरह मेरे पास नहीं थे। और तब मैंने तय किया था कि मैं हम लोग 25 लाख करोड़ का कम से कम इन्वेस्टमेंट हमारे सेक्टर में लाएंगे और करीब 1 करोड़ लोगों को जॉब्स देंगे। और तीसरी बात हमने ये तय की थी कि हम देश के GDP में 203% ऐड करेंगे। अब चौथी बार हमने तय की है, चौथा हमारा मिशन है कि जो एक्सीडेंट में लोग मरते हैं उसकी संख्या 50% से कम लाएंगे। तो मुझे लगता है ये जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, जब हमारे 5 साल पूरे होंगे तो 1 करोड़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स हमारे होंगे। उसके साथ साथ हम लोग GDP ग्रोथ में 2-3% कंट्रीब्यूट करेंगे। देखो आपको एक बता दूं, आप कह रहे हैं सिर्फ रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से? रोड कंस्ट्रक्शन, शिपिंग, पोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज, ये मेरे पास जितनी मिनिस्ट्री उसमें मैंने कहा था। और 2% ग्रोथ में इजाफा होगा? हाँ सर। और दूसरा मैं आपको, मैं इस बार पोर्ट में सागरमाला में 16 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उसमें से 4 लाख करोड़ पोर्ट रोड कनेक्टिविटी, पोर्ट रेल कनेक्टिविटी एंड पोर्ट मॉडर्नाइजेशन मेकनाइजेशन। 4 लाख करोड़ में 1,60,000 स्कीम्स इसमें हैं जैसे, हाँ 1,60,000 करोड़ का काम मैं दे चुका हूँ। और मैं 14 इंडस्ट्रियल क्लस्टर बना रहा हूँ, JNPT में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहा हूँ। अब वो जोन के लिए मुझे सभी ऑफर्स है। कल एक अच्छी कंपनी आई, वो 40,000 लोगों को जॉब दे रही है। तो मेरे पास आप समझ लीजिए कि करीब 12 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट उसमें होगी, तो 16 लाख करोड़ उसके और 15 लाख करोड़ रोड के, ये 31 होते हैं। मैंने कहा 25 लाख करोड़ हम इन्वेस्टमेंट कम से कम लाएंगे। कटकरी जी, जो इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में आप खुद मानेंगे इम्प्लीमेंटेशन का होता है। आपने भी एक बार वादा किया था कि जो रोड स्पीड, रोड कंस्ट्रक्शन का जो स्पीड है वो 2 से बढ़ाकर शायद 30 या 40 हो जाएगा। अभी तक कई 23 के करीब पहुंच पाया है, ये आंकड़ा कब तक 40 तक पहुंचेगा? और ये जो सारे जो अगर आपको प्लान्स, अगर आपको एक्चुअली आपको इन पर कायम करना है, कैसे हो पाएगा? देखो पहली बात तो ऐसी कि मैं जब मंत्री बना तब 2 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन आया था, अभी तक 30-40 से नहीं पहुंच पाया। नहीं नहीं, देखो अभी 23 किलोमीटर पर डे मार्च एंड तक आया है, ये अपने आप में हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है। इसके इतने भी कभी हुए नहीं थे, 18 किलोमीटर तक हुए थे। मैंने टारगेट जाहिर किया था कि मैं 40 किलोमीटर तक जाऊँगा, अब मैं 30 किलोमीटर तक इस मार्च में उसके ऊपर जाने की लगभग होगा ऐसा मुझे लगता है, फिर भी ये मेरा अंदाज है, जब मार्च में पता चल जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2011-12 में हमने केवल 2000 किलोमीटर के रोड कॉन्ट्रैक्ट किए थे और 2015-16 में हमने 16,000 करोड़ अवार्ड किए हैं, 8 गुना अवार्ड बढ़ा है। और इस साल मैं 20,000 से 25,000 किलोमीटर अवार्ड करना चाहता हूँ। तो आप समझ लीजिए मेरे प्रोजेक्ट हर साल इतने बड़े अवार्ड किए वो बन के आ रहे। तो मुझे 40 किलोमीटर के ऊपर जाना 19 में कठिन नहीं लगता।